नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शद। समाचार सुपर फास्ट में आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ के दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। इसके साथ ही उन्होंने अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोट्स का जायजा भी लिया। इस दौरान उनके साथ यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश दुनिया का हर छोटा बड़ा निवेशक आकर्षक स्थान बनता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की विश्व नेता की अगली हफ्ते होने वाली वार्षिक सभा में 100 से अधिक देशों और सरकार के प्रमुख व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे और उनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा सभागार में विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे। इससे एक दिन पहले 24 सितंबर को वो बाइडेन की मेजबानी में वॉशिंगटन डीसी में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। महाराष्ट्र के अमरावती में बड़ा नाव हादसा सामने आया है। वर्धा नदी में अचानक एक नाव पलटने से 11 लोगों की मौत की खबर है। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यह घटना बनोदा क्षेत्र के वरुद तालुका के झुंझ गांव के पास की बताई जा रही है। अभी नाव पलटने के कारणों का पता नहीं चला है। भारी बारिश ने गुजरात के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश में बीच नदी में फंसे लोग, जलमग्न सड़कों पर डूबती गाड़ियां और नाव के साथ फंसे मछुआरों की तस्वीरों के साथ साथ कई दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुजरात के जामनगर, गिर सोमनाथ, अमरेली, मोरबी, राजकोट और भावनगर इस बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। फिलहाल राहत बचाव का कार्य जारी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मेन चौक पर आतंकियों ने एक पुलिस दल पर ग्रेनेड फेंका और इस हमले में 3 नागरिक घायल हो गए। आतंकी हमले के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंच गई है और आतंकियों की तलाश के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया गया। हालांकि ग्रेनेड सड़क पर ही फट गया, जिससे बड़ी संख्या में लोग हताहत होने से बच गए। हमले में घायल 3 नागरिकों को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। वहीं सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। भारत में लगाई जा रही कोरोना वैक्सीन की गति को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने सराहना की है। ताज़ा घटनाक्रम में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि 75 करोड़ कोरोना टीके की डोज लगना उल्लेखनीय है। वैक्सीन के विकल्पों को लेकर डॉक्टर पॉल ने कहा कि अब तक मोटे तौर पर हम 2 वैक्सीन पर निर्भर थे। आगे बढ़ते हुए हम न सिर्फ इन वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाएंगे बल्कि दूसरी वैक्सीन भी उपलब्ध होंगी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के प्रदर्शन पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में प्रदर्शन कर रहे किसानों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली हरियाणा में प्रदर्शन करें, पंजाब में नहीं। कैप्टन के मुताबिक किसानों के प्रदर्शन से पंजाब को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। कैप्टन बोले कि किसानों से यह कहना चाहता हूं कि पंजाब की जमीन उनकी है, यहां जारी उनका आंदोलन राजकीय हित में नहीं है। यूपी के चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी उतर गई है। आम आदमी पार्टी ने अयोध्या से ही देशभक्ति के नारे के साथ तिरंगा यात्रा शुरू की। मनीष सिसोदिया ने साधु संतों से मुलाकात की और कहा कि उन्होंने राम जी के दरबार में अर्जी लगा दी है। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी यूपी में ऐसी सरकार बनाएगी जो भगवान राम के आदर्शों से चलेगी। कोरोना महामारी के चलते IPL को बीच में रोकना पड़ा था, लेकिन अब IPL के दूसरे हाफ की शुरुआत 19 सितंबर से UAE में होने जा रही है। इसको लेकर सभी टीमें UAE पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। UAE में IPL की शुरुआत से पहले महेंद्र धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स टीम को बड़ा झटका लगा है। धोनी की टीम के 2 स्टार खिलाड़ी यानी मोइन अली और सेम कुरेन IPL से बाहर हो सकते हैं। इंडियन आइडल की फेवरेट जोड़ी पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल का लेटेस्ट गाना ओ सयोनी रिलीज हो गया है। हिमेश रेशमिया की एल्बम हिमेश के दिल से के लिए पवनदीप और अरुणिता ने यह गाना गाया है। गाने को हिमेश ने लिखा और कंपोज किया है। इस गाने को म्यूजिक लवर्स का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिलहाल समाचार सुपरफास्ट में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए ओटीटी इंडिया। रग रग में हिंदुस्तान।